नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ आराधना रामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली जिले में रविवार को पिकनिक मनाने गए 3 डॉक्टर और 2 एनसीएल अधिकारियों के परिवार के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गौपद नदी के देउरदर घाट पर 13 वर्षीय बच्ची प्रेरणा पानी में डूबने लगी, जिसे बचाने के प्रयास में तीनों डॉक्टर भी डूब गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया, लेकिन नेहरू शताब्दी अस्पताल के डेंटल एचओडी डॉक्टर हरीश सिंह की और बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और बचाव दल ने लापता बच्ची की तलाश जारी रखी है। इस हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल और आज से हम होंगे कामयाब अभियान की शुरुआत हो रही है। यह अभियान जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि हम महिला और पुरुषों में समानता के अधिकार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए समाज को जागरूक करना जरूरी है और इस दिशा में पुरुषों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एक बार फिर से ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंदौर की नारकोटिक्स विंग की टीम ने मुखबिर से सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 2 कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने फराज खान को पकड़ा है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 154 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 पिस्तौल बरामद की गई है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में मोहसिन खान को पकड़ा है, जहां आरोपी भोपाल का रहने वाला है। उसके पास से 53 ग्राम MD ड्रग्स जब्त की गई है। दोनों ही कार्रवाई में जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ करते हुए ड्रग्स तस्करी से जुड़े पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है। टिक्स बिंग की फील्ड इकाइयां इंदौर, मंदसौर और नीमच में है, परंतु भोपाल में भी लगातार नारकोटिक्स या नशे के अवैध कारोबार की शिकायतों को देखते हुए एडिशनल DGP नारकोटिक्स श्री वेंकटेश्वर राव सर द्वारा इंदौर से एक टीम को भोपाल में भी कार्रवाई के लिए लगाया गया है। 23 नवंबर को निरीक्षक श्री प्रवीण ठाकरे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सुबह सुबह अवैध मादक पदार्थ देने के लिए आ रहा है। मुखबिर द्वारा बताई सूचना अनुसार निरीक्षक ठाकरे द्वारा टीम को लगाया और एक आरोपी को मौके से 154 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 पिस्टल तथा 1 जिंदा कारतूस के साथ में पकड़ा गया। आरोपी का नाम फराज, पिता नवाब खान, निवासी प्रतापगढ़, राजस्थान का है। आरोपी को PR पर लेकर अग्रिम विवेचना की जा रही है। नारकोटिक्स विंग में ही पदस्थ उप निरीक्षक सीमा मिमरोट को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 24 तारीख को सुबह सुबह अवैध मादक पदार्थ की डिलीवरी होने वाली है। मुखबिर की सूचना पर टीम लगाई गई और टीम लगाकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 53 ग्राम MD जब्त की गई। आरोपियों के नाम मोहसिन, पिता बाबू खां, निवासी ऐसबाग भोपाल, तथा आसिफ खां, पिता चांद खां, निवासी ऐसबाग भोपाल हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है। एक टीम जहाँ से जो डग राजस्थान से जहाँ से लेना बताया गया है, वहाँ पे भी एक टीम को रवाना किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस की नारकोटिक्स विंग द्वारा अभी तक पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से ज़्यादा न केवल प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं, साथ ही साथ जो अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हुई है, लगातार कार्रवाई। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महू स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर बने कार्यालय को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर
दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि जब तक यह विवाद नहीं सुलझ जाए तब तक इस कार्यालय को बंद किया जाए। पिछले कई दिनों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली को लेकर दो पक्षों में विवाद होता आ रहा है। एक पक्ष ने भ्रष्टाचार व अन्य प्रकार के आरोप भी लगा रखे हैं। इसी बीच अगस्त महीने में सरकारी अधिकारी की मौजूदगी में जन्मस्थली पर बने कार्यालय को सील कर दिया गया था और यह हिदायत दी गई थी कि जब तक यह विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक इस कार्यालय को नहीं खोला जाएगा। इसी बीच शनिवार को कार्यालय का ताला खोल दिया गया जिसके बाद फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। इस पूरे मामले को लेकर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले कुछ लोग आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और इस पूरे मामले की शिकायत कराई। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को फिर से कार्यालय खोलकर सौंप दिया गया है। हम यह मांग करते हैं कि जब तक यह मामला नहीं सुलझ जाता तब तक कार्यालय को सील किया जाए। फिलहाल इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने जाँच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो करोड़ों शोषितों वंचितों की आस्था का केंद्र भीम जन्मभूमि, वहाँ पर कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार, अनियमितताएँ, अनैतिक निर्माण कार्य वहाँ के फर्जी सचिव द्वारा किया जा रहा है, जिसकी समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत अगस्त माह में हमने एक जन आंदोलन के साथ संभाग आयुक्त को एक लिखित ज्ञापन दिया था, जिसकी एक कॉपी महू SDM को हम देने के लिए गए थे। वहाँ पर षड्यंत्र के तहत पूर्व नियोजित तरीके से गुंडों ने लाठी, डंडे और लोहे की राड से समाज के महिलाओं पर, लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए थे, जिसकी FIR भी हुई थी। उसमें SDM साहब ने आगे आकर के स्मारक के कार्यालय पर ताले लगा करके उसको सील किया था और आश्वासन दिया था कि जब तक इन दोनों का पटाक्षेप नहीं हो जाता, इस समिति के विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक दोनों को सूचना दिए बगैर किसी प्रकार से ताले नहीं खोले जाएंगे। लेकिन कल वहाँ पर हमें बगैर सूचना दिए, बगैर अग्रिम जानकारी के वहाँ पर ताले खोलकर पुनः वहाँ के फर्जी सचिव को चाबी सौंपकर भ्रष्टाचार के लिए नियमित रूप से नियमित कर दिया, जिसकी हम यहाँ पर आज ज्ञापन के माध्यम से विरोध जताने आए हैं और मांग करने आए हैं कि जब तक इन समितियों के विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक जो पुराने 23 सदस्य थे इनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और इनके चुनाव नहीं हो जाते तब तक उसे पुनः वापस से स्मारक के कार्यालय को सील करके ताला लगा दिया जाए और लोगों की आस्था और विश्वास को कायम रखें। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का आज शुभारंभ मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में हुआ। इस प्रशिक्षण केंद्र में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र के क्षेत्र को और भी उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते इंदौर में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ आज मंत्री तुलसी सिलावट के द्वारा किया गया। इस केंद्र के स्थापित होने से युवाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त होगा। यह प्रशिक्षण केंद्र मूसाखेड़ी स्थित कौशल विकास केंद्र में स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण केंद्र में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें लाइसेंस भी दिया जाएगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खाते गांव के साहू समाज ने 16 नवंबर को जिला अस्पताल नर्मदापुरम में ऑपरेशन के बाद महिला पूजा साहू की संदिग्ध मौत को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि महिला को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। साहू समाज ने दोषी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना और रैली जैसे कदम उठाएंगे। बड़ी ही दुखद घटना है। खातेगांव साहू समाज से भी हमारे राजू भैया साहू की बिटिया जो कि ससुराल उसकी बासनिया तहसील सिवनी मालवा में है, दिनांक 15 तारीख को डिलीवरी पेट थी, उसे 15 तारीख को नर्मदापुरम हॉस्पिटल में, शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।
जो 16 तारीख को उसको डिलीवरी हुई। बढ़िया स्वस्थ, बच्चा भी स्वस्थ और बेटी भी स्वस्थ थी। डिलीवरी के आधे घंटे पश्चात, डिस्चार्ज के आधे घंटे पश्चात उसे डॉक्टरों ने लापरवाही के एक इंजेक्शन लगाया गया जो कि एक्सपायर डेट था, उससे उसकी मौत हो गई। 10 मिनट बाद मुंह से फेस आ गया, उसकी मौत हो गई। हमने खातेगांव तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी जी, सीएम मध्य प्रदेश मोहन जी यादव, कलेक्टर देवास जिला कलेक्टर को उनके नाम पर ज्ञापन दिया गया है, पूरी खातेगांव साहू समाज द्वारा, भारतीय तेली साहू राठौर महासंगठन द्वारा और ताराचंद जी के संगठन द्वारा, उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो डॉक्टरों पर, उनको सजा मिला। अगर मान लो ऐसा कुछ ना हुआ तो हम पूरे खातेगांव साहू समाज, मध्य प्रदेश साहू समाज द्वारा उग्र आंदोलन करेंगे और उसे न्याय दिलाने के लिए पूरे तत्पर पूरी समाज खड़ी है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने संविधान दिवस, विकसित भारत, यंग लीडर डायलॉग और युवा महोत्सव 2025 के बारे में जानकारी दी। मंत्री सारंग ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भोपाल में संविधान दिवस पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जो शौर्य स्मारक से शुरू होकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक युवा शामिल होंगे। इसके अलावा विकसित भारत, यंग लीडर डायलॉग के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें युवा प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करेंगे। सभी लोग, सब जनप्रतिनिधि रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को पदयात्रा में रहना था, वो क्योंकि विदेश यात्रा पर है इसलिए वो नहीं रहेंगे। उनका संदेश इसमें पढ़ा जाएगा और युवाओं को संकल्प दिलाया जाएगा कि हम सब संविधान का पालन करते हुए इस देश के नवनिर्माण में लगे। सभी हमारे खिलाड़ी, स्कूली विद्यार्थी, एनएसएस के हमारे कार्यकर्ता, एनसीसी के कार्यकर्ता, अलग अलग वर्ग के युवा, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कॉलेजेस के बच्चे, बड़े स्तर पर हमारे खिलाड़ी, हमारे ओलंपियन जो अभियान, जिनने ओलंपिक में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो ये सब रहेंगे। और बड़ी संविधान का जो हमारा जो संविधान है उसकी बड़ी प्रतिकृति इस पूरे आयोजन का नेतृत्व करेगी। जो नेतृत्व होगा, एक बड़ी हमने प्रतिकृति बनाई है संविधान की, हमारी जो किताब है उसकी बड़ी प्रतिकृति है, वो इस पदयात्रा का नेतृत्व करेगी और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का परिक्रमा करते हुए एक बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। शौर्य स्मारक, वो जिनके कारण हमें आजादी मिली, जिनके कारण हमारी आजादी चिरस्थायी है, उनके उनको याद करते हुए उस स्थल पर संकल्प लेते हुए उस महापुरुष की प्रतिमा की परिक्रमा जिसने संविधान का निर्माण कराया, और वापस आकर इस संकल्प को दोहराते हुए कि इस संविधान को, भावना को हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताते हुए एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले पौने 3 सालों में मध्य प्रदेश में 28,857 महिलाएं गायब हो चुकी हैं, जिनमें औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां प्रतिदिन लापता हो रही हैं। नूरी खान ने बताया कि गुमशुदगी के सिर्फ 724 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि महिला अपराधों की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीने में 2,319 बलात्कार और 150 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उज्जैन में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और जबलपुर में 70 छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि अन्य मामलों में कड़ी सजा दी जाती है। कांग्रेस की सदस्यता अभियान के तहत 20,000 महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। महिला कांग्रेस ने बलात्कार के मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग की है और अगर बालाघाट जिले के बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस आंदोलन करने का आह्वान कर रही है। ने प्रदर्शन किया था दिल्ली की सड़कों पर उतरकर, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा गिरफ्तार हुई थी। मैं खुद राष्ट्रपति भवन पहुंची थी अपना एक ज्ञापन लेकर अपनी 10 साथियों के साथ, जहां पर मुझे गिरफ्तार करके 6 घंटे दूरी पर दिल्ली से वहां पर भेज दिया गया था। और उस आंदोलन के बाद हमने देश के सभी राज्यों की राजधानी में
लाल रंग के वस्त्र पहनकर नारी न्याय का आंदोलन किया। और आज नारी न्याय के इस पोस्टर के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बालाघाट की जो ये बेटी है, अब ये न्याय मांगने के लिए हम बालाघाट जाएंगे और बालाघाट में आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि सरकार की संवेदनशीलता कहाँ गई है। यही नारी न्याय है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, नारी न्याय आंदोलन जारी रहेगा। आज यहाँ हमने पत्रकार वार्ता इस संदर्भ में बुलाई है कि लगातार भाजपा के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उन्हीं बेटियों को अपमानित करने में भाजपा सबसे आगे नजर आती है। चाहे मोदी जी द्वारा किसी एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा माता सीता के सम्मान में विवादित बयान का मार्ग अपनाना हो, चाहे बनारस की हिंदू छात्रा के साथ अन्याय हो, चाहे शिवपुरी में एक विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसने नाजायज शिशु को जन्म भी दे दिया, उसके बाद भी बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी ना होना हो। और साथ ही साथ मैं अपने गृह जिले की बात यहाँ करूँ, बालाघाट के अंदर भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर एक दलित शासकीय शिक्षिका ने बलात्कार का आरोप लगाया और लगभग छात्र उसके छात्र जीवन से लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से उसका शारीरिक शोषण करने का काम भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी ना होना बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ वहां महिला सांसद हैं भारती पारदी जी, अभी तक मौन साधे हुए हैं। आखिर उनके मौन का क्या कारण है? क्यों अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई? क्यों बलात्कार के आरोपी भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर 7 दिन के अंदर भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर बालाघाट को बंद करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वही इंदौर में देर रात बदमाशों ने एक बार फिर से घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी और फरार हो गए। गाड़ी का मालिक जब तक प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताते हुए एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3.5 सालों में मध्य प्रदेश में 28,857 महिलाएं गायब हो चुकी हैं, जिनमें औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां प्रतिदिन लापता हो रही हैं। नूरी खान ने बताया कि गुमशुदगी के सिर्फ 724 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जबकि महिला अपराधों की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीने में 2,319 बलात्कार और 150 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। ये 23 तारीख के रात्रि 3 बजे का मामला है, जो 204 कोहिनूर नगर सिटी थाना आजाद नगर में मोहम्मद अल्ताफ, जो कि कोहिनूर कॉलोनी के रहने वाले हैं और एयर फ्रेश की शॉप चलाते हैं, इनके द्वारा ये रिपोर्ट करी गई थी कि इनके 2 किराएदार हैं जो इनके मकान में रहते हैं, एक का नाम है रकीबुल हसन और दूसरे का नाम है रबीबुल हसन। इनकी रकीब की पैशन प्रो और रबीबुल हसन की जो है वो मेस्ट्रो, ये 2 गाड़ियाँ जो हैं उनमें धुआं इनको उठता हुआ प्रतीत हुआ और जब ये पहुंचे तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। इसके बाद इन्होंने गाड़ी में आग बुझाया। इनका कहना है कि इनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तत्काल स्पॉट पर पहुंच के और इसमें आगजनी जो है उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया हुआ है। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई फाउल प्ले राइट ना हो तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी हम इसकी हर एंगल से जांच कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।